चले रुके बाकी मुझे कितना आशीर्वाद मिल रहा है वो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हैं। कैसा लगा पवन सिंह से मिलके? ठीक लगा, सपोर्ट पूरा रहेगा उनका, पवन सिंह का आशीर्वाद रहेगा। चलिए यहाँ देखिए विशाल सिंह जी हैं, कैसा लग रहा है काराकाट में घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने जनता का प्यार देखे, जन सैलाब देख करके बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, काराकाट में पवन सिंह को आने का आखिर मकसद क्या है? यहाँ का विकास करना है उनको जी। जिस दिन से उन्होंने देखा, जब भी हम लोग निकलते हैं घर से, वो यही देख के कहते हैं कि ये सब बदल दूंगा जी, मुंबई शहर की तरह कर दूंगा। और मेन मकसद यही है कि यहाँ की जनता को नया चेहरा चाहिए विकास के साथ। क्या लगता है काराकाट में जनता के खरे उतरेंगे पावर स्टार पवन सिंह? पूरे खरे उतर रहे हैं, जब तक जहाँ तक बात हो रही है प्यार की, वो भी उनको प्रॉपर मिल रहा सेल्फी के लिए सबसे ज्यादा देखिए सेल्फी के लिए, और मैं बाहर आ जाऊँ। हुए और ये देखिए यहाँ प्रिंस जी भी न्यूज ब्लॉगिंग अपना बना रहे हैं, जैसे देख रहे हैं भीड़ जो देखेंगे काफी है। पवन सिंह आपके गांव में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? चा एकदम चकाचक है भैया, ये अगर लिखा जाएंगे तो एकदम चकाचक है, चकाचक रहेगा। पवन सिंह को मैंने फुली सपोर्ट रहेगा एकदम पूरा। और आपके यहाँ उपेंद्र पुष्पा और राजा राम जी भी है? उस सबके न है, न है उस सबके, सबके नहीं। पवन सिंह हाँ जिंदाबाद। ये देख लिए क्या चाहेंगे पवन सिंह आपके गाँव में आए हुए हैं? पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। ये देखिए पवन सिंह जिंदाबाद बोल रहे हैं लोग, जैसे कि देख सकते हैं। और इधर देखिए दादी जो हैं से अभी पवन सिंह से मिले, दादी अभी पवन सिंह से मिले ना, कैसा लगा पवन सिंह से मिलके? ठीक लगा, सपोर्ट पूरा रहेगा उनका, पवन सिंह का आशीर्वाद रहेगा। चलिए अब आशीर्वाद रहेगा, दादी जी ने आशीर्वाद दिए है। चाची एन रही एन रही एन रही एन खाली का करबो गाड़ी हल्ला ओ भैया मेनो में आ गए ने रुक जाने रुके ना जी, आप लोग ऐसे उतरने दो तो जी, ये गाड़ी आप देखा नहीं चल। यहां दादी मिलिए मिलिए आप यहां, अरे उतरे दे बाबू उतरे ने खाली चले रुके थोड़ा सा बात ही बोल दिए जी तो बोलिए भैया जिंदाबाद। अरे रुपया तो हो गया। अब बाकी मुझे कितना आशीर्वाद मिल रहा है वो बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पवन जी ये देख सकते हैं।